માઉન્ટ આબુ ખાતે બ્રહ્માકુમારી દ્વારા નેશનલ મીડિયા કોન્ફરન્સનો ભવ્ય પ્રારંભ. રાજસ્થાનના માઉન્ટ આબુ ખાતે બ્રહ્માકુમારી દ્વારા 3 દિવસીય નેશનલ મીડિયા કોન્ફરન્સનો આરંભ થયો, જેમાં તમામ રાજ્યોના મીડિયા પ્રતિનિધિઓએ ભાગ લેવા માટે ત્યાં પહોંચ્યા છે. માઉન્ટ આબુ ખાતે આવેલ બ્રહ્માકુમારીના મીડિયા વિંગ દ્વારા જ્ઞાન સરોવર ખાતે 3 દિવસીય નેશનલ મીડિયા કોન્ફરન્સની ભવ્ય શરૂઆત થઈ છે, જેમાં દેશભરના વિવિધ રાજ્યો જમ્મુ કાશ્મીર, પંજાબ, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા, મધ્યપ્રદેશ, દિલ્હી, બિહાર, વેસ્ટ બંગાળ, ઉત્તરપ્રદેશ, ઉત્તરાખંડથી આશરે 300થી ઉપરના પત્રકારો ભાગ લેવા માટે પહોંચ્યા છે. 3 દિવસીય ચાલનારી આ મીડિયા કોન્ફરન્સમાં 3 દિવસીય રાષ્ટ્રના વિકાસ માટે મીડિયાનો રોલ અને તેની જવાબદારી વિશે અલગ અલગ ભાગોમાં સેશન ચાલશે, જેમાં મીડિયાના રોલ વિશે વરિષ્ઠ પત્રકારો અને મહાનુભાવો પોતાના વક્તવ્યો આપશે. બ્રહ્માકુમારીના મુખ્ય એવા બીકે નલિની દીદીના હસ્તે પ્રથમ દિવસે આ કોન્ફરન્સની શરૂઆત કરવામાં આવી, જેમાં બીકે ચંદા દીદી, બીકે સરલા દીદી, બીકે રંજન દીદી, ઝોનલ કોર્ડિનેટર ગુજરાત સંગીત, વિષાદ બીકે ડિવેડ, નેશનલ કોર્ડિનેટર બીકે નિકુંજ, બીકે બ્રિજમોહન, બીકે આત્મપ્રકાશ, પ્રોફેસર સંજય ત્રિવેદી વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમની શરૂઆત બિલાસપુર છત્તીસગઢથી આવેલા 2 બાળકો માહી અને અવિકા દ્વારા સુંદર સ્વાગત ગીત દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને તમામ રાજ્યોના મીડિયા પ્રતિનિધિઓ તેમના દ્વારા સ્વાગત કરાયું હતું. 3 દિવસીય ચાલનાર આ મીડિયા કોન્ફરન્સમાં મીડિયા જગતના અનુભવી સંપાદકો, પત્રકારો અને જ્ઞાની લોકો દ્વારા માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે. રાષ્ટ્ર વિકાસ કો હમ એક નઈ દિશા દે સકતે હૈ ઓર ઇસલિયે ઇસી વિષય પર યે ત્રિદિવસીય મીડિયા સંમેલન મે विभिन्न विषयों पर हम सभी करेंगे मनन, चिंतन, मंथन, वर्णन और धारण. हम सबके परम प्रिय, परम प्यारे हमारे पिता शिव परमात्मा को और उनके माध्यम ब्रह्मा पिता को बहुत वेरी फॉन्ड इनविटेशन. नैतिक शक्ति थी जिसके नाते वो अपने जीवन को बेहतर कर पाते थे, अपनी चीजों को बेहतर कर पाते थे, वो जो है उससे जुड़े हुए थे. इसलिए हमें मीडिया का भारतीयकरण करने की जरूरत है, उसको संवाद की परंपरा से जोड़ने की जरूरत है. हम ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमारी सारी प्रदर्शन कलाएं, साहित्य, संस्कृति और जितनी प्रदर्शन कलाएं, बहुत सारी कलाओं का यहाँ प्रदर्शन हुआ, ये सब लोक मंगल के लिए. ये शब्द हमारा शब्द है, हमने लोक मंगल शब्द का इस्तेमाल किया. साहित्य, कला, संस्कृति, प्रदर्शन कलाएं, ये सब लोक मंगल के लिए. अगर इससे लोक का मंगल नहीं होता, लोक का कल्याण नहीं होता तो व्यर्थ है. इसलिए हमें मीडिया को भी लोक मंगल की उस परंपरा से जोड़ने की जिम्मेदारी है. और जब लोक मंगल की बात करते हैं तो विश्व मंगल उसमें समाहित ही है, वो अलग से नहीं है. और इसलिए हमें समाज को संवाद आधारित समाज बनाना है, दिलों को जोड़ने वाला समाज बनाना है, दिलों को तोड़ने वाला समाज नहीं बनाना है. और आज के मौके पर मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता, सकारात्मक पत्रकारिता और समाधान परक पत्रकारिता, ये 3 शब्द हमारे सामने आते हैं. और इसलिए इस पर हमें आगे काम करने की जरूरत है. ये बहुत कठिन दायित्व बोध है, पर यह हमको लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा. इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, भारत को जानो, भारत को मानो, भारत को भारत के बनो और भारत को बनाओ. जब भारत को आप जान जाएंगे तो भारत से आप घृणा नहीं कर सकते, भारत से आप ईर्ष्या नहीं कर सकते, क्योंकि भारत का जो भी विचार है वह वैश्विक विचार है, वो अपने लिए नहीं है. भारत अकेला दुनिया का एक देश है जो ग्लोबली एक्ट करता है, जो विश्व मंगल का विचार करता है. रूपी रंग मंच पर हम सभी एक्टर्स अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, परंतु ये तो हुआ कि हम स्टेज पर अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, पर ओरिजिनल ड्रेस पहनकर पार्ट प्ले करने वाली मैं कौन हूं? जिंदगी में कईयों को ये प्रश्न आता है, मैं क्यों आया यहां, कहां जाना है, क्या करना है.
आगे बढ़ती हूँ। फिर आता है आई। आई कहता है इंस्पिरेशन, तो हमें प्रेरणादायी बनना होता है। प्रेरणादायी बनने के लिए भी हमें आध्यात्मिकता की अति आवश्यकता है। फिर आता है डी। डी कहता है डिवाइन बनना है, क्योंकि हमारा गॉड फादर जो है वो वंडरफुल चित्रकार है, शिल्पकार है और रचनाकार है। वो गॉड है जिसके लिए कहते हैं कि सृष्टि की रचना के लिए मीडिया की जिम्मेदारी है। सम्मेलन में मंथन को मीडिया की टीम पधारी है। ज्ञान सरोवर में अभिनंदन आपका मनोहारी है। मीडिया मनुष्यों का स्वागत करती सृष्टि सारी है, करती स्वागत सृष्टि सारी है। भाई बी के आपके प्रकाश जी, भाई शेयर पर्सन मीडिया विंग माउंट आबू, आदरणीय बी के सरला दीदी जिनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होने वाला है। विकास में क्या मीडिया की जिम्मेदारी है, सम्मेलन में मंथन को मीडिया की टीम पधारी है। ज्ञान सरोवर में अभिनंदन आपका मनोहारी है। मीडिया मनीषियों के स्वागत में सृष्टि सारी।